तो जो मैंने आज ब्लॉग बनाया था ये था हादी की फरमाइश पे। तो हादी मेरा छोटा भाई है बिल्कुल, तो हादी फ्रॉम कराची, तो उसके लिए आज ये ब्लॉग बनाया था। उन्होंने कहा था कि यार मेरा अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल मालिक है। तो आज मैं आपकी खिदमत में एक न्यू व्लॉग लेके आए हैं। तो यार काफ़ी अर्से से व्लॉग नहीं बना रहा था क्योंकि कॉलेज शुरू हो गए थे और ऐसी रूटीन बन गई थी कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज टाइम मिला तो हमने सोचा क्यों ना जाएं और व्लॉग बना के आएँ। तो आज हम जा रहे हैं रिदान, जहाँ पर तुर्किश नाश्ता मिलता है। सुनने में तो यही आया अभी तक कि तुर्किश नाश्ता है वहाँ पर, अब तो वहाँ जाके पता लगेगा कि तुर्किश नाश्ता या पराठा छोले। तो चल के देखते हैं वहाँ पे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बस वहाँ पे चलते हैं। अभी जा रहे हैं मास्क लेने, उन्होंने बोले मास्क के बगैर एंट्री नहीं है। मास्क ले लिए, एक शॉपर में पड़े हैं मास्क, तो बस फटाफट से अब चलते हैं। ये इस टाइम हम गुजर रहे हैं लतीफाबाद 7 नंबर से, तो वो सामने पान वाला देख रहे हैं वो वाला। तो इस पे याद होगा आपको कि हमने आगे पान ट्राई किया था, बड़ा ही बेहतरीन पान था इसका। तो एक दफ़ा फिर मैं इसके पास आया था और इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा आएंगे इसके पास ब्लॉग बनाने। और काफ़ी बेहतरीन पान है लतीफाबाद 7 नंबर में। वैसे तो पान हैदराबाद का जो मशहूर है वो हीराबाद में है, उसका नाम है गुलाब पान हाउस, पर वो बहुत दूर है और उस पर रश बहुत होता है और वहाँ पर जाने में तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है क्योंकि वो रनिंग एरिया है वहाँ पर। तो इस वजह से तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रश होता है। तो वहाँ भी कोशिश करेंगे कि कभी जाके व्लॉग बनाएं, पर पहले तो इनके पास आएंगे वापस कभी, तो वापस आपको दिखाएंगे इनका पान। और अगर कोई वो वीडियो देखना चाहता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जाएं डिस्क्रिप्शन खोलें और लिंक को ओपन करें और उस वीडियो को भी इंजॉय करें। चुके हैं रिदान, ये आप पीछे देख सकते हैं रिदान हाउस ऑफ मंडी। मंडी जैसा कि अगर आपको पता हो तो एक अरेबिक डिश है। तो अभी बस अंदर चलते हैं तो चेक करते हैं। हम आ चुके हैं रिदान अंदर, तो बैठने के लिए यहाँ पे केबल स्टाइप बनाया है लकड़ी के, तो अभी आपको दिखाते हैं। चार दीवारी इसकी बनाई हुई है, छोटी छोटी बाउंड्रीज सबके बैठने के लिए। और अच्छा माहौल है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बंदे की प्राइवेसी है, तो फैमिली को लेकर आराम से आप आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। काफ़ी अच्छा है, उन्होंने अरेबिक टाइप का माहौल अंदर बनाया हुआ, तो काफ़ी मज़ा आया अंदर आके। तभी बस इनका खाना ऑर्डर करते हैं। ये इनका ब्रेकफास्ट का मेन्यू है, करें फॉर 2 पर्संस ओनली 1000 रुपीज़। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं हम जो प्लेटर मंगवाते हैं तो इसमें क्या आता है। हमारे पास 3 पर्सन का प्लेटर मंगवाएंगे हम, तो इसमें जो लिखा हुआ है यही सब आएगा।
सैलड फ्रेश फ्रूट्स अभी हमने ऑर्डर दे दिया तो उन्होंने बोला है कि 25 से 30 मिनट लगेंगे, इतना टाइम। तो जो 3 पर्सन्स का है वो है 1250 का, 2 पर्सन्स का जो है वो है 1000 का। बाकी ये देखना, इसमें चेक कर लिएगा आप, मेरा ख्याल उल्टा नज़र आ रहा है, सीधा नज़र आ रहा है। तो ये देखना, 4 पर्सन्स का है 1500 रुपीज़। नाश्ते के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा मेन्यू है इनका, तो बाकी आइटम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अब देखते हैं कि वर्थ करते हैं इतनी जितनी इन्होंने प्राइस रखी हुई है। तो बस आने का इंतज़ार करते हैं ब्रेकफास्ट का। तो जब तक ये तकिए दिए हैं उन्होंने, कहीं निकल भी नहीं रहा, तो बस आराम से बैठते हैं। यार इतने दिन में उससे मैं कहाँ गायब था, तो यार सीन ये था कि मेरे हो गए थे कॉलेज शुरू, तो सुबह के टाइम कॉलेज और शाम के टाइम अकेडमी, तो इसी में बिज़ी हो गया था। और इतना बिज़ी हो गया था कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। अभी भी हमारे कॉलेज के स्पोर्ट डेज चल रहे थे, तो उनमें इतना बिजी था कि हालत ख़राब हो गई, वहाँ क्रिकेट खेल खेल गए। तो आज हम रिधान पर आने का हमारा मकसद ये था कि मैं आपको बताता चलूँ, मेरा आना था बोर्ड का रिज़ल्ट, जो कि मेरे घर वालों को लगता था कि मेरी 75 से ऊपर नहीं आएगी। तो मेरी मेरे भाई से शर्त लगी कि अगर मेरी 75 से ऊपर आई तो वो रिधान पे नाश्ता कराएगा, अगर नहीं आई तो यार कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। तो इसी शर्त को मद्देनज़र रखते हुए आपके भाई की आ गई 82% ए वन ग्रेड। तो इसी बात पे आज हम आए नाश्ता करने फ्री में, तो फ्री की चीज़ें तो वैसे ही उनका जो स्वाद होता है वो डबल हो जाता है, उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज बस वही करने आए हैं, तो बाकी चेक करते हैं क्या सीन है इधर का। बाकी बैठने की जगह तो अच्छी है, वैसे भी मैं यहाँ पे कई दफ़ा आया हूँ पर नाश्ता करने नहीं आया। हम आए मंदी खाने और कुनाफा अचार अरेबिक खाने, पर काफ़ी मज़े का था। पर आज इनका नाश्ता ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि नाश्ते का इनका मैंने बहुत सुना था, काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बोला था कि यार जाओ और एक ब्लॉग बना के आओ। तो बस अब चेक करते हैं इनका नाश्ता कैसा है, वेट कर रहे हैं, बोल के 25 मिनट लगेंगे। रिधान का नाश्ता मेरे पास आ चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो शुरू करते हैं, बस कहीं से तो शुरू करते हैं। यार सबसे पहले जो चीज़ देखे ना, ये है कबाब, इतना छोटा कबाब, चलो छोटा हुआ तो क्या हुआ, चेक कर लेते हैं। ये कबाब है, ये भी कुछ है जैम वगैरह लग रहा है मुझे, ये दो जैम है, ये खजूर है और ये बटर है, बाकी वो दही और ये कोई इनकी सॉस होती है, हुमस पता नहीं ऐसे ही नाम ले रहे थे, और ये ऑलिव्स है। और इधर इस तरफ अगर आ जाए तो ये ब्रेड है, ये पराठे हैं, ये चिकन सैंडविच है, और इसमें सुंदर आए कीमा है, अभी इसको खोलते हैं। और वो पूरी है, बाकी छोले में सालन है, अंडों का सालन है, बॉइल्ड एग है, और वेजिटेबल्स का प्लेटर है, फ्रूट्स का प्लेटर है, अचार है, और छोले का सालन है, वो आगे एग का जो क्या बोलते हैं, बाकी वो दोनों का सेम ही है। सबसे पहले हमने उठाया सैंडविच, तो सैंडविच के अंदर इन्होंने शायद चिकन स्प्रेड वगैरह लगाया था, बाकी बहुत क्रिस्पी है, चेक करते हैं। इसमें इतना मज़ा नहीं आया तो मैं घर पर भी बना लेता हूँ चिकन स्प्रेड पनीर का, वो मैं ब्रेड में लगा के और खा लेता हूँ, बाकी कबाब अच्छा है। अब ये तो छोले हो गए, ऑलिव छोले, तो अब इसको करते हैं साइड पर, लाइट भी नहीं करना।
अब इसको चेक करते हैं, बॉयल्ड एग तो बॉयल्ड एग होता है, सही है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चेक करते हैं अंडे का, सारे अंडे सही के हैं, ये पराठा अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट पराठा है, बिल्कुल भी इसके ऊपर क्रिस्पीनेस नहीं है, बहुत सॉफ्ट है और हल्का हल्का सा स्वीट है पराठा, और बाकी जो अंडा है इसका है काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। काली मिर्च फुल डाली हुई है, सुबह सुबह खाएंगे, बहुत लेती है ये, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे अंडे का। अब आते हैं फ्रूट्स के प्लेटर पे, यार इसमें जो है सबसे पहले तो ये तरबूज है, सही है, इसको क्या खाना है यार पता होगा आपको, और ये केला है, बाकी ये भी है, इसको क्या कहते हैं यार, ग्रेप फ्रूट बोलते हैं, ये बीट रूट, ये खीरा, ये चुकंदर है, अब मेन चीज खोलते हैं, छोले का सालन तो खाया ही नहीं, ये क्या चीज़ है, हलवा है ना, हाँ हलवा, ये हलवा है भाई, और ये है छोले, ये छोले है भाई, जल्दी खा लो हमें भी भूख लग रही है, आप तो वही भूख, हाँ छोले का सालन तो नॉर्मल है, बाकी हलवा देखते हैं पूरी के साथ में, हलवे के अंदर ये बता दें करी आप छोटी, हलवा अच्छा है बहुत बहुत टेस्टी, ना बहुत ही ज़्यादा मीठा है ना बहुत ही कम मीठा है, एवरेज मीठा है, ये तो खोल लो तो कम से लगे बैठ रहे, मानी का तुम्हारी हैप्पी बर्थडे है, रोटी काट रहे हैं, इससे काटते हैं क्या रोटी, मैं तो कीमा बना दिया है, कीमा ही तो है बेटा, इसके अंदर कीमा है, ये है कीमा, और उसके पराठे का बना हुआ है, हाई प्यार इसकी है ना, ये पराठा दो फटाफट, पर्दा भी खा सकते, अभी कीमा फटाफट से, फुल भरी हुई वाइट कीमे की, ओए ओए आया मुंह में पानी, अब ये देखो किस चीज़ का बीमा, चिकन का, मटन, मटन का लग भी रहा, कैसा अच्छा बना भाई यार, बेहतरीन कीमा है यार, बहुत बेहतरीन कीमा, क्या बताऊँ कीमा लाजवाब है यार, या तो काफ़ी अर्से बाद खाया है इसलिए अच्छा लग रहा है, या तो भूख लग रही है, पर इसका जो टेस्ट है बहुत आउट क्लास है, कीमा नंबर ले लिया, मुझे भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ तो खा लिया, जूस रह गया, हाँ जूस जूस ले आ गया, ये 20 फ्लेवर का जूस है, 3 फ्लेवर होते हैं इनके पास, मैंने तीनों पूछे थे आपको कौन सा चाहिए, मैंगो था, पीच था और लस्सी थी, तो हमने बोला यार पीच दे दो, मैंगो तो पीते रहते हैं, उसका नस्ले का लग रहा है मेरे को, नेस्ले का जूस है, डब्बे वाला जो आता है ना नेस्ले का, फ्रूटा वाइट वाला वो जूस है, अच्छा है, ठंडा किया हुआ
खाने के बाद मिलता है। इन्होंने पहले दे दिया, चलो अब खाते हैं, पहले खाते हैं बस। सब कुछ खा लिया, तकरीबन सब कुछ खा लिया, बाकी जिसमें तुर्किश क्या खाता है, तुर्किश नाश्ता है, तुर्किश क्या देता है ये समझ नहीं आ रहा असल में मुझे। तो अगर आप में से किसी को पता हो तो यार प्लीज़ कमेंट्स में बताना। फिर तो पाकिस्तानी नाश्ता था, देसी आलू की तरकारी, छोले का सालन, सूजी का हलवा, कीमा भी बिल्कुल भुना हुआ, बिल्कुल ऐसे मसाले तेज, तो भी शायद तो वही फोन हो जाए तेज मसाले, बाकी समझ नहीं आया। अंडे का सालन भाई, आप ये बताओ टेस्ट कैसा था? टेस्ट अच्छा था भाई, कुछ कुछ चीज़ों का टेस्ट अच्छा था, कुछ कुछ नॉर्मल था। अगे सबसे अच्छा मुझे लगा कीमा अच्छा लगा मुझे, कीमा बहुत आउट क्लास था, कीमा बहुत अच्छा था इनका, और हलवा बहुत अच्छा था। बाकी छोले का सालन एवरेज था, आलू का सालन था, तरकारी वो भी एवरेज थी, अंडा कैसा था? अंडा भी अच्छा था, और सैंडविच सही था, जूस भी अच्छा था, जूस भी अच्छा था, जूस बहुत अच्छा था। नाश्ते वालों की क्वालिटी है बरकरार रखी हुई, हमेशा नाश्ते में क्वालिटी। तो चलो बस, बाकी खैर अभी चाय आ रही है, चाय का इंतजार कर रहे हैं, चाय ना करें तो नाश्ता कंप्लीट ही नहीं होता। कुछ किश पीते होंगे, जूस हम नहीं पीते, हम चाय पीते। तुम लोगों के लिए तो तुम लोगों ने हलवा पूरी वगैरह रखी है, छोले का सालन ना लोग चलेंगे। तो बस अब चाय का इंतज़ार करते हैं, बस चाय आने वाली होगी, उन्होंने 10 मिनट्स का बोला था। तो फिर बाकी ये एक चीज़ बताऊँ आपको, ये बोला हुमस है, पता नहीं हुमस वमस, हमें पहली दफ़ा मैंने सुना ये तुर्किश होता है। तो यार ये तो मलाई थी, तो मलाई की तो बनती है घी, मलाई मलाई की बनने क्या, मलाई है दूध के ऊपर जो आती है। तो चलो बस अब चाय का इंतज़ार करते हैं। तो नाश्ता सही लगा, नॉर्मल था, आप आएँ ट्राई करें, बैठने की जगह अच्छी, एनवायरनमेंट अच्छा है, एक न्यू एक्सपीरियंस होता है बंदे को, तो आएँ ज़रूर ट्राई करें। तो बस अब चाय का इंतज़ार करते हैं। चाय आ चुकी है, चाय बनाइए बिल्कुल। और काफ़ी ठीक चाय, मतलब पानी वानी बिल्कुल कम लग रहा है, और काफ़ी कड़क है, और मतलब बहुत अच्छी चाय, काफ़ी अच्छी है चाय, कीमा, अंडा और अंडे का वो जो उन्होंने सालन बनाया हुआ, ये तीनों चीज़ें आउट क्लास थी, और हलवा स्पेशली, ये चारों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी तो मेरा तो अच्छा था, मतलब ब्रेकफास्ट अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, आप भी आएँ ट्राई करें बिल्कुल। ऑटोगान रोड पर, मेन ऑटोगान रोड पर, इतना लंबा फीडबैक दे रहे हो क्या? गेम खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो क्या? फीडबैक के लिए भाई, गेम के लिए नहीं दिया आपको, ये तो गेम खेल रहा है यार, ये तो भाई पबजी के लिए नहीं दिया, फीडबैक के लिए दिया। जो हमारा फीडबैक था हमने दे दिया कि यार हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट टाइम इन ब्रेकफास्ट,
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था सुबह नाश्ते के हवाले से। तो बस अब चलते हैं सर, बिल बिल क्या है बिल, ये बिल है इतना कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, नॉर्मल है। तो बाकी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, आप लोग भी आए ट्राई करें। तो तो जो मैंने आज व्लॉग बनाया था ये था हादी की फरमाइश पे। तो हादी मेरा छोटा भाई है बिल्कुल, तो हादी फ्रॉम कराची, तो उसके लिए आज ये व्लॉग बनाया था। उन्होंने कहा था कि यार मेरा नाम ज़रूर ले लेना, तो आपका नाम ले लिया। तो यार बताना ये था कि कम से कम एक हफ़्ता हो गया है, पिछले संडे को मैं रिदान गया था ब्रेकफास्ट की वीडियो बनाने, और आज दूसरा संडे है। तो बताना ये था कि मेरा मोबाइल ख़राब, सॉरी लैपटॉप ख़राब हो गया है। तो आज जो मैं एडिट करूँगा वो फ़ोन से करूँगा। तो अगर आपको कोई चीज़ जैसे एडिटिंग वगैरह में कोई मिस्टेक नज़र आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दिएगा। तो इसी के साथ साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।